दोस्तों आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके उन सभी लोगों के लिए जो लोग आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं, आईटीआई कर रहे हैं अथवा आईटीआई करना चाहते हैं, सभी लोगों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की इम्पोर्टेंट ये है कि ये कोर्स में ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी में जब कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि आईटीआई कितने प्रकार की होती है। कभी कभार आपके सीनियर या कभी कभार ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं जो पूछ लेते हैं कि आप आईटीआई कर रहे हैं क्या, और आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई कितने प्रकार की होती है, तो आपको यह जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आखिर आईटीआई कितने प्रकार की होती है। संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। दोस्तों आईटीआई कितने प्रकार की होती है ये जानने से पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर आईटीआई के फायदे क्या होते हैं, आखिर आईटीआई मुझे क्यों करनी चाहिए, आखिर आईटीआई क्यों किया जाता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि आईटीआई करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि यह कम खर्चे में आपका कोर्स हो जाता है, यानी इसमें ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से करेंगे तब तो आपका 30 से 40 हज़ार पड़ सकता है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर से करेंगे तो आपका 5 से 6 हज़ार तक में पूरी आईटीआई कंप्लीट हो जाती है। दूसरा यह फायदा होता है कि कम पढ़ाई के बाद आपको जॉब के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं, यानी इसमें आपको ज़्यादा बहुत सारे सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने पड़ते हैं। आईटीआई में केवल 4 सब्जेक्ट होते हैं, उनको ही पढ़ाई करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर के अथवा प्राइवेट सेक्टर की जॉब पा सकते हैं। तीसरा है कि कम पढ़ाई में रोजगार आपका संभव हो जाता है, जैसा कि हमने बताया है कि आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा और इसके बाद में भी आप गवर्नमेंट सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं आप जॉब रख सकती हैं। स्वरोजगार के आपको अवसर इसमें अपार मिलते हैं, यानी अगर आपकी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की जॉब नहीं भी लगती है तब भी आप अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं या कर सकते हैं। लास्ट है आसानी से प्रवेश मिल जाता है। दोस्तों इसमें आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए कोई बहुत बड़ा दिक्कत या बहुत बड़ी प्रवेश परीक्षा का इसमें आयोजन नहीं किया जाता है, बेसिक लेवल की परीक्षा होती है और अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपका आसानी से इसमें प्रवेश हो जाता है। आप देखते हैं आईटीआई कितने प्रकार की होती है। दोस्तों जहाँ तक बात करते हैं आईटीआई कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः आईटीआई को 4 भागों में विभाजित किया गया है, कॉलेज के आधार पर, शाखा के आधार पर, ट्रेड के आधार पर और प्रशिक्षण के आधार पर, यानी आईटीआई 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इनमें सबके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो चलते हैं डीपली से इसको समझते हैं। कॉलेज के अनुसार अगर देखा जाए तो आईटीआई 2 प्रकार की होती है, एक सरकारी कॉलेज और एक प्राइवेट आईटीआई कॉलेज। सरकारी आईटीआई कॉलेज और प्राइवेट आईटीआई कॉलेज दोनों की मान्यता लगभग समान होती है, लेकिन आपका इसमें केवल यही अंतर होता है, फीस का अंतर खास करके आ जाता है और कुछ पढ़ाई का भी आपको अंतर इसमें मिल जाएगा। यानी कॉलेज के अनुसार आईटीआई 2 प्रकार की होती हैं, सरकारी आईटीआई कॉलेज और प्राइवेट आईटीआई कॉलेज। अब देखते हैं दोस्तों शाखा के अनुसार, शाखा के अनुसार अगर देखा जाए तो शाखा के अनुसार आईटीआई 2 प्रकार की होती है, एक एनसीबीटी आईटीआई ट्रेड, एक एससीबीटी ट्रेड। एनसीबीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इसका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होता है। इस ब्रांच की, इस शाखा की आईटीआई करने के बाद आप ऑल इंडिया कहीं भी आप जॉब आसानी से कर सकते हैं, पूरे भारतवर्ष में वो सर्टिफिकेट मान्य है और इसकी ट्रेनिंग का ज़्यादातर जो हिस्सा होता है गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाता है। बात करते हैं एससीबीटी की, तो एससीबीटी यानी स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये जो होती है ये स्टेट लेवल की आईटीआई सर्टिफिकेट में मिलता है, यानी अगर स्टेट से आईटीआई करेंगे तो आप स्टेट लेवल की कोई भी जॉब आती है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एससीबीटी से एनसीबीटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस अप्रेंटिसशिप को करने के बाद में आप एनसीबीटी लेवल के हो जाएंगे और आप ऑल इंडिया कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ट्रेड के अनुसार अगर देखें दोस्तों तो 2 प्रकार की आईटीआई होती है ट्रेड के अनुसार, इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड में वो ट्रेडें होती हैं जो सीधे सीधे इंजीनियरिंग विषय से आपकी जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सिविल ट्रेड। सिविल ट्रेड में आपकी ड्राफ्ट में सिविल हो गया, ड्राफ्ट में मैकेनिक हो गया, या फिर सर्वेयर ही क्यों ना हो। MMV यानी मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, RAC, टूल एंड डाई मेकर्स आदि बहुत सारी ट्रेडें हैं जो इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की, तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में वो ट्रेडें आती हैं, ये ट्रेडें इंजीनियरिंग से संबद्ध नहीं होती हैं और इसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें मैथ का कोई इशू नहीं होता है। आपकी थोड़ी मैथ या साइंस कमज़ोर है तो आप नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं। इसमें आपकी कोपा, स्टेनोग्राफी हिंदी अथवा अंग्रेजी, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, डिजिटल फोटोग्राफर DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिकेशन, फिजियोथेरेपी, रेडियो टेक्नीशियन, फैशन डिजाइनिंग आदि ट्रेडें आती हैं। लगभग 140 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेडें आपको अलग से संचालित की जाती हैं, उनसे भी आप आईटीआई कर सकते हैं। यानी ट्रेड के अनुसार आईटीआई 2 प्रकार की होती है, इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। प्रशिक्षण के अनुसार देखा जाए तो प्रशिक्षण के अनुसार भी आईटीआई 2 प्रकार की होती हैं,
एक दो वर्ष की ट्रेडें होती हैं, कुछ एक वर्ष की ट्रेडें होती हैं। ज़्यादातर दो वर्ष की ट्रेडें NCVT के द्वारा संचालित होती हैं, वो ट्रेडें होती हैं, और SCVT के द्वारा संचालित होती हैं, वो एक वर्ष की ट्रेडें होती हैं। यानी प्रशिक्षण के आधार पर भी ITI दो प्रकार की होती है। दोस्तों ये वीडियो था ITI कितने प्रकार की होती हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ITI को चार भागों में विभाजित कर दिया गया है। उनमें से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर दो प्रकार की ही ITI ट्रेड होती हैं, एक NCVT ट्रेड और एक SCVT ट्रेड। क्या लगा वीडियो दोस्तों, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।